नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए डेमो लेकर आऊँगी, डेमो कविता का लेकर आऊँगी। तो थोड़ा बहुत मैंने जो सेटअप किया है, हो सकता है चीज़ें आपको उतनी ईजली ना दिखें। तो आज हम कविता का सेटअप जैसे करने वाले हैं, या कैसे अगर हमें हिंदी में टीचिंग मिलती है और वो हमसे अगर राइम्स पढ़ने के लिए कहते हैं, तो किस तरह से हम वहाँ पे अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, कैसे हम अपना डेमो देंगे, इस विषय पर मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। तो जो मेरा प्लान है, मैं जिस तरह से डेमो देने वाली हूँ आपके सामने, मैं वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप उसे देखिएगा, अगर कहीं भी कोई कमी होगी जिससे मैं सुधार सकती हूँ, या कोई सजेशन अगर आपको मुझे देना होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपसे कई बार ये डिस्कस किया है कि आई एम हैविंग 14 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा 15वां साल चल रहा है एज अ टीचर, क्योंकि मैंने बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक टीचर की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कि उसके फेस पे हमेशा ही स्माइल होनी चाहिए। वो मतलब रियल लाइफ में भी, अगर मतलब डेमो तो ये हमें यहाँ पे अपने पैनल को इम्प्रेस करने के लिए देना ही देना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जब भी टीचिंग के लिए जा रहे हो तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे जो होते हैं ना वो आपसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता होगा कि मैम का आज मूड फ्रेश है, तो वो अपनी बातें भी आपसे शेयर करेंगे, उनको डर नहीं लगेगा। अगर आपने सारा मुँह बना रखा है, आपके चेहरे पर तनाव है, तो उनको लग जाएगा कि हाँ आज मैम कुछ परेशान है। और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, समटाइम ऐसा होता है कि कभी मेरी तबीयत खराब होती है, या मैं थोड़ी सी परेशान होती, कुछ होता है, और मैं गुस्से में अगर क्लास में चली गई, तो बच्चों का अगर होता है, और दे यूज टू आस्क लाइक दैट कि मैम आज परेशान है, मैम आज गुस्से में, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए, आज मैं शुरू करती हूँ अपना डेमो, और जो मेरी आज की कविता है वो है टेसू राजा बीज बाजार, ठीक। तो टेसु राजा बीच बाजार की कविता मैंने याद कर रखी, बीच में कोई अगर गड़बड़ी होगी तो उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए, मैं कैसे शुरू करूँगी, मैं क्लास में एंटर करूँगी, और एंटर करने के साथ ही मैं सबसे पहले बोलूँगी बच्चों से कि सुप्रभात बच्चे, सुप्रभात बच्चे नहीं बोलना, सॉरी, मैं बच्चों से सबसे पहले बोलूँगी कि सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चे बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, और बच्चे फिर पूछते हैं कि आप कैसी हैं मैम, तो हम बच्चों से बोलेंगे कि मैं भी अच्छी हूँ। और अगर पैनल ने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं है, हमें नॉर्मल जाना है, हमें कहना है सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब, अच्छे से आपने एंजॉय किया अपने वीकेंड, अच्छे से थे आप। उसके बाद हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे दिनांक, जो भी दिनांक होगा वो दिनांक हम डाल देते हैं। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ, मुझे पता है कि मैं अगर इधर लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं दिनांक मान के चल रही हूँ कि 22/4/2023 हमारा दिनांक होगा, जो भी दिन होगा हम दिन डाल देंगे, जो भी दिन होगा, ठीक है। डेट मीन कौन सा दिन उस दिन पड़ रहा है। उसके बाद में हम डालेंगे कक्षा, और अगर ये सब करने के लिए वो मना करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कक्षा दो, क्योंकि जो मैं आज कविता का पाठ करने वाली हूँ वो कक्षा दो की कविता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें इस साइड में हम लिखेंगे, वो अगर हमें मना करते हैं कि नहीं बेटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं। अब बात आती है प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने की, कि हमें कैसे प्रस्तावना प्रश्न निकलवाना है। तो प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के लिए बच्चों से हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिससे हमें आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, एक टेसू राजा है जो बीज बाजार में खड़े होकर अनार ले रहे हैं, यानी कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है, और वो जो दो लोग हैं, एक टेसू राजा है और दूसरा अनार है। तो हम बच्चों से प्रश्न कैसे निकलेंगे कि, और वॉक करते रहना है हमें क्लास में, यूँ ऐसे ऐसे करके वॉक करते रहना है, ठीक है। बच्चों आपको पता है कि आज जब मैं स्कूल आ रही थी तो मेरे घर के बाहर एक फल वाले ने फल का ठेला लगा रखा था, और आपको पता है उसमें कौन कौन से फल थे। बच्चों के अगर आंसर आते हैं तो बैलेंस बोर्ड पैनल को हम फोर्स नहीं कर सकते कि वो हमें आंसर दे,
पैनल ने अगर हमें आंसर दिया कि ये फल थे तो वेल एंड गुड, अगर पैनल ने हमें आंसर नहीं दिया तो हम खुद से ही एज्यूम करेंगे कि हमारी कक्षा चल रही है और उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे, तो खुद से ही बोलेंगे हाँ उस पे आम था, अमरूद था, सेब था, केला था और कौन सा फल था, अनार। हाँ अच्छा, आपको पता है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है या आपका पसंदीदा फल कौन सा है? हम कोशिश यही करेंगे कि अगर हम हिंदी की कक्षा ले रहे हैं तो बायलिंगुअल नहीं होंगे, बहुत ही ज़्यादा आई नो कि मुश्किल हो जाती है चीज़ें कि हम बायलिंगुअल हो जाते हैं, पर हम इसी कोशिश करेंगे, अपने तरफ से हम इस तैयारी को पूरा रखेंगे कि हमें बायलिंगुअल नहीं होना है अगर हम स्पेशली हिंदी की क्लास ले रहे हैं। तो बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आपका पसंदीदा फल कौन सा है, तो किसी के कुछ आंसर आएंगे, किसी के कुछ आंसर आएंगे, किसी के कुछ आंसर आएंगे। फिर मैं उनसे बोलूँगी कि आपको क्या पता है कि मेरा पसंदीदा फल कौन सा है? मेरा पसंदीदा फल है अनार। कौन सा है? अनार। हाथों की एक्टिंग करते रहना है क्योंकि बच्चों को हमें पढ़ाना है, छोटे बच्चों को। मैंने पढ़ाया नहीं है बट मैंने देखा है अपने कलीग्स को कि वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, ठीक है? तो हम उनसे बोलेंगे अनार। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को लेकर के और मैं उनसे बोलूँगी कि अच्छा तो मेरा पसंदीदा फल, और जैसे बच्चे जो पसंदीदा फल बोलते रहेंगे ना वहां पर हम लिखते रहेंगे, अच्छा आम, अच्छा सेब, और जब हम अनार लिखेंगे तो उसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, क्योंकि तो देखिए जो बाकी टीचर्स आपकी मिल रही है वो वहां पे ना स्मार्ट बोर्ड में पीछे कविता चल रही होती है, पर हमारे स्मार्ट बोर्ड पे कोई कविता तो चलेगी नहीं, हमें इस तरह से लिख करके पढ़ाना है, तो लिखेंगे आम सेब अनार, ठीक है? उसके बाद में हम उनसे बात करेंगे कि आपको पता है कि जंगल का राजा कौन होता है? बच्चे बोलेंगे शेर। तो इस तरह से हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न निकालते रहेंगे कि अनार में कितने दाने होते हैं ये वो, थोड़ा सा आप अपने तरफ से भी इनोवेटिव कर सकते हो अपनी कविता के अनुसार, और इस तरह से जब हमें अनार और राजा के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसे कहेंगे तो आज हम एक कविता का पाठ करेंगे और उस कविता का नाम है टीसू राजा। क्या नाम है उस कविता का? टीसू राजा। अब टीसू राजा क्या कर रहे हैं, टीसू राजा ने क्या लिया, तो चलिए इन सारी चीजों को हम कविता के माध्यम से जानेंगे कि टीसू राजा ने क्या किया, टीसू राजा ने कैसे फल लिया, ठीक है? तो चलिए मैं बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे इसको दोहराएंगे और फिर हम अपनी कविता को शुरू कर देंगे कि टीसू राजा बीच बाजार खड़े ले रहे एक अनार, इस अनार में कितने दाने, जितने हैं कंबल में खाने, कितने हो कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में कितनी भेड़, एक पेड़ पर पत्ते जितने, एक पेड़ पर कितने पत्ते, गोपी के घर लत्ते जितने, गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ता में कुत्ते जितने, 20 लाख 23 हजार दानों वाला एक अनार, टीसू राजा करे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। ये हमें ऐसे कविता का पाठ करना है। मैं तो खुद बहुत डर गई, फिर से करती हूँ। हमारी कविता का नाम है टीसू राजा बीच बाजार। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस कविता को कि टीसू राजा बीच बाजार क्या क्या कर रहे थे। तो चलिए मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस कविता को। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कविता का पाठ। मैंने फोन का सिर्फ घुमा लिया क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, तो
अब जो भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा उल्टा दिखाई रहा होगा क्योंकि फोन का मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया है, ठीक है। तो चलिए मेरा भी ये पहला अटेम्प्ट है छोटे बच्चों को खुद ही कविता पढ़ाने का, तो देखते हैं मैं कैसे करने वाली हूँ। और मैं कविता में ना हमेशा अपनी लाइन जोड़ देती हूँ कि ऐसे ऐसे वैसे वैसे गाने में कविता में, तो मेरी फ्रेंड रंजन ने मुझे डांटा भी कि तुझे अपनी लाइन्स नहीं जोड़नी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे लय में पढ़ा ले जाएंगे तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है जो हमारी कविता है टीसू राजा बीच बजाया। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कविता का पाठन। टीसू राजा बीच बजाया खड़े हुए ले रहे अनार, कौन ले रहा था अनार? टीसू राजा कौन? टीसू राजा और क्या ले रहे थे? अनार। क्या ले रहे थे? अनार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर से अपनी इस कविता को और साथ साथ में आप मेरे पीछे पीछे दोहराओगे, ठीक है। टीसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार, इस अनार में कितने दाने? वॉइस मॉड्यूलेशन हमारा होते रहना चाहिए क्योंकि तो मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जितना हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन होगा बच्चों को उतना मजा आएगा। और बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाना, मैं बस यहाँ पे खड़ी हूँ। बच्चों को किस मेथड से पढ़ाना है? प्ले वे मेथड से पढ़ाना है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन होता रहेगा, जैसे कि इस अनार में कितने दाने, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा मोटा करते हैं, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने, कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने। अब भीड़ में मतलब तो झुक गई हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी करना होगा कर लीजिएगा, ठीक है। कितने हैं कंबल में खाने, भीड़ भला क्यों लगी बताने, एक झुंड में भीड़े कितनी। झुंड के लिए मैंने दिखा दिया कि एक झुंड जा रही है, मैं वहां पे ढूंढ रही हूँ कि भीड़े कितनी है, ठीक है। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। अब लत्ते पे आप ऐसे कर दो, जितने गोपी के घर लत्ते, गोपी के घर कितने लत्ते, कलकत्ता में कुत्ते जितने। कैसे करना है? गोपी के घर कितने लगते, कलकत्ता में कुत्ते जितने, ठीक है। उसके बाद 20 लाख, क्योंकि 20 लाख 23 हजार एक बहुत बड़ी संख्या है, 20 लाख 23 हजार सच में एक बहुत बड़ी संख्या है, तो उसमें हमें आश्चर्य शो करना है। और आप देखो मैं कैसे घबरा रही हूँ आप लोगों को देते हो, लेकिन हमें अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंट रखते हुए चीजों को करना है। 20 लाख 23 हजार दानों वाला एक अनार। आज पड़ोस में ऐसे ही बच्चों से पूछ लेना है कि 20 लाख 23 हजार दानों वाला एक अनार, टीसू राजा कर पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। तो ये यहाँ पे हमारी कविता खत्म हो जाएगी। फिर अगर वो हमें आगे करने के लिए कहते हैं तो हमें क्या करना है कि हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या पता चला? कौन गया था बाजार? कौन गया था बाजार? टीसू राजा। हाँ टीसू राजा गए थे बाजार। टीसू राजा क्यों गए थे बाजार? और देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि पहला आंसर दे या ना दे हमें उन्हें फोर्स नहीं करना है, हमें ये अज्यूम करना है कि हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है। क्यों गए थे वो बाजार? क्या लाने गए थे वो बाजार? अनार। और अनार के कितने दाने? ढेर सारे। कितने दाने? 20 लाख 23 हजार। पर क्या सच में 20 लाख 23 हजार दाने होते हैं? क्या सच में 20 लाख 23 हजार दाने होते हैं? नहीं। कितने दाने होते हैं? बहुत सारे। क्या हम उन्हें गिन सकते हैं?
नहीं। और अनार का जूस पीने से क्या होता है, हमें ताकत मिलती है ना। तो इस तरह से हम कविता को खत्म करने के बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि होता है ना कि हमने बच्चों को जो पढ़ाया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछ करके और हमें उन्हें संतुष्ट करना होता है कि जो भी हमारा मतलब हमने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा, इस चीज़ की हमें तुरंत तुरंत जांच कर लेनी चाहिए। ठीक, तो ये इतना सारा हो गया, एक कविता का हमने पाठन किया और आप भी इस तरह से एक कविता को पाठ करो, उसको रिकॉर्ड करो और जो हमारा वो टेलीग्राम वाला ग्रुप है और चैनल है वहाँ पे आप भेजिए, बाकी सारे लोग आपको देखेंगे और सजेस्ट करेंगे। और मैं भी आपसे इस चीज़ के लिए बार बार कहती हूँ कि देखिए मैं यहाँ पे एक एक्सपर्ट की तरह आपको सारी चीज़ें नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक लड़ाई लड़ रही हूँ उसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप देखो आप बताओ कि चीज़ें बेहतर और कैसे हो सकती हैं। मैं जिससे बड़े क्लास को पढ़ाती हूँ तो मेरे पास इतना आइडिया नहीं था, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैं कूद कूद के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो नर्सरी क्लास के टीचर होंगे जिनके पास में इसका एक्सपीरियंस होगा, तो वो मुझे बताएं कि मैं इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, और मुझे ही नहीं बाकी सबकी भी हेल्प होगी। और जाहिर सी बात है दूसरों की हेल्प हमें करते रहना है, बाकी हमारे किस्मत का लिखा हमारे भाग का लिखा हमें नहीं पता है, जो भी होगा बेहतर ही होगा। एक मैंने खुद ही कहावत मैं बनाई थी कि क्यों डरे कि कुछ नहीं होगा, और आई थिंक ये कहावत डरी कि क्यों डरे कि कुछ नहीं होगा, कुछ ना भी हुआ तो कुछ तो होगा। ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो नहीं हुआ, उसके बाद में हम ऐसा तो है नहीं कि हम टैलेंटेड नहीं, हम कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज कर ही लेंगे अपना टैलेंट। और हाँ बात जाहिर सी बात है इतनी सारी सीट के इतने सारे तो लड़ रहे हैं तो किसको मिले किसको नहीं मिले ये सब तो किस्मत की बात है, बट हमें एट द एंड ऑफ द फाइट जैसे मुझे संतुष्ट है कि मैंने अपने स्कूल टाइम के साथ अपने घर के टाइम के साथ में रात के 2-2 बजे तक जग के पढ़ाई करी, मैंने चीज़ों को किया। एक दिन स्कूल में क्विज चल रही थी तो मैं फटाफट सारे आंसर भी दे रही थी, तो मैं बहुत खुश होती कि मैंने चीज़ों को गेन किया। तो एट द एंड ऑफ द फाइट मैं सेटिस्फाइड थी कि ठीक है आंसर की गलत है नंबर गलत है मेरा दिमाग तरीके जो कुछ भी हुआ दैट्स अनदर मैटर, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यहाँ पे भी। अब मैं आप खुद देखो कि मैं कभी इंट्रोडक्शन कभी डेमो कभी कुछ आपके साथ रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाल रही हूँ, यानी कि मैं अपने खाली समय को यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं आफ्टर स्कूल स्कूल में रुक रही हूँ, बच्चों के जाने के बाद में मैं स्कूल में रुक रही हूँ, रुक करके यहाँ के इस बोर्ड को यूटिलाइज करके और यहाँ पे मैं डेमो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सारे टीचर्स के जाने के बाद में मैं यहाँ पे रुक कर चीज़ें कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्कूल को भी देखना है क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है, अभी मेरा काम है, मैं उसे भी देख रही हूँ, साथ साथ में मुझे इसको भी देखना है अपने बेहतर भविष्य के लिए। तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे भी फाइट कर ही रही हूँ, लड़ रही हूँ, रुक रही हूँ, सारी चीज़ें हैं, बाकी मेरी किस्मत जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि मैं इसे और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, या ठीक था पैटर्न या नहीं था, या कहाँ मैंने कुछ गलत बोला कुछ गलत लिखा, इसके बारे में सजेशन आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप आप मुझे दोगे सजेशन, ठीक है। बट कैमरा जो पीछे से था मुझे बहुत डर लग रहा था, पर सामने से आगे कैमरा ना तो मुझे डर नहीं लगा। चलिए, और हाँ जहाँ तक रही बात अटायर की, तो देखिए अटायर ना हमें ऐसे ही रखना है, ये तो मैंने आज जैसे साड़ी पहन रखी है, बट हमें पहननी है अपनी ये एक कॉटन की साड़ियाँ पहनेंगे और अच्छे से ब्लाउज, यहाँ तक कि स्लीव वाला अगर होगा तो बेहतर ही है, और संग में बाल को अगर आप जूड़ा बनाओ तो जूड़ा सी वरना एक पोनीटेल बना लो। बट मैं जब फाइनल डे पे अगर मुझे इंटरव्यू देने का चांस मिलता है तो मैं तो जूड़ा बना करके ही जाऊंगी, क्योंकि एक अच्छा इंप्रेशन होता है जूड़े का। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे और फिर से चलते हैं। टेलीग्राम पे ज़रूर आप उन चीज़ों को शेयर करिएगा, आप लोगों को देख करके मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, और आई थिंक जब हम सब एक दूसरे को देखेंगे तो हम सबको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बाय बाय।